नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एफएम न्यूज। यूएस 91 हार्वेस्ट फेस्टिवल में रविवार रात करीब 10 बजे पॉप स्टार जेसन एल्डीन का परफॉर्मेंस चल रहा था। यह फेस्टिवल पिछले 4 साल से हो रहा है। कार्यक्रम कुछ देर में खत्म होने ही वाला था कि पटपट की आवाज सुनाई दी। लोगों ने सोचा कि पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन फौरन ही लोग गिरने लगे। खून के छींटे देख चीख पुकार मच गई, बदहवास लोग भागे। इस घटना में 58 लोगों की मौत हुई है और 500 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। पुलिस ने स्टेज पर मौजूद सिंगर जैसन और बैंड को सुरक्षित निकाला, बाकी लोग जमीन पर रेंग रहे थे। पुलिस ने सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इसी बीच पता चला कि होटल कैसीनो मैंडले बे की 32वीं मंजिल से फायरिंग हो रही है। पुलिस वहां पहुंची तो दरवाजा खोलने के लिए कंट्रोल ब्लास्ट किया, लेकिन हमलावर मरा मिला। हमलावर स्टीफन रूम में मृत मिला। कमरे से 10 लोडेड ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुई। पुलिस को अब तक हमले की वजह का पता नहीं चला है। हमलावर को ऊंचाई का फायदा मिला, उसने सिर्फ ट्रिगर पर उंगली रखी। लोग अंदाजा तक नहीं लगा पाए कि गोलियां कहां से आ रही है। वे लेट गए फिर भी मारे गए। हमलावर मैगजीन के साथ पोजीशन भी बदलता रहा। दोस्तों, देश और दुनिया की हर खबर के लिए एफएम न्यूज को सब्सक्राइब करें।